कांग्रेस से भी मिलने पर कल जाकर के सब कुछ सब लोगों का सहयोग शिक्षा वाला विषय है, तो मुकेश सहनी जी से भी आज मिले, सीपीआई सीपीएम उन लोगों से भी मिले हैं, सब लोगों का सहयोग इसमें रहेगा, सब लोगों ने आश्वस्त किया है। तेजस्वी से भी मिलना है शाम को। दो केंद्रीय विद्यालय हम सेंक्शन किए थे जब हम मंत्री थे भारत सरकार, एक केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद देवकुंड और एक नवादा का, और जब दो केंद्रीय विद्यालय सेंक्शन हुआ था पिछले साल अगस्त महीना 18 में, उस वक्त की दो केंद्रीय विद्यालय के साथ देश भर का और 11 सेंक्शन हुआ था, कुल 13, 11 बाहर वाला सब खुल गया और बिहार वाला नहीं खुला। राज्य सरकार को कुछ फॉर्मेलिटी करना है, जमीन देना पड़ता है जी, वो नहीं कर रही है राज्य सरकार, जिसके चलते नहीं खुल पा रहा। और इस जोकुंड औरंगाबाद वाला जो है इसमें राज्य सरकार को जमीन भी नहीं देना है, जमीन महंत जी एक है जो वहां दिए हुए, तो जमीन जनता की है, पैसा भारत सरकार का, और रोक रहे हैं कि स्कूल न खुले, तो ऐसा इशू है। इसी मुख्य यही है, बाकी और भी दो चार है लेकिन मुख्य यही है, इसी को लेकर अनशन पर बैठना है, 26 वर्षों से है मिलर हाई स्कूल के बाद। सर को प्रणाम, बिना इजाजत आ गए, आप लोग सुवरिया लेते जाते हैं। चलिए हर तरह से कॉपरेशन लगना है। उस पत्र में भारत सरकार से कहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय के लिए हम तभी जमीन देंगे जब भारत सरकार अंडरटेकिंग दे जो स्कूल खोलेगा उसमें कम से कम 50% बच्चा बिहार का ही एडमिशन लेगा, जिसका सारा कागज इसमें लगा हुआ है। जो 13 खुला उसकी सूची में नोटिफिकेशन है। अब निशंक जी भी सितंबर में पत्र लिखे हैं, अभी जो मिनिस्टर दे दीजिए आप दोनों स्कूल के लिए। पत्र बिहार सरकार की 50% अंडरटेकिंग दीजिए, 50% न्यूनतम 50% अथवा न्यूनतम 50% अंडरटेकिंग दीजिए, यहाँ से ही शिक्षा विभाग केंद्रीय विद्यालय आयोग को लिखा था। अब इसका वस्तु स्थिति यह है, हम दिखा देते हैं, उस समय जितना स्कूल खुला हुआ है बिहार में उसमें हम सर्वे कराए कि आखिर कितना परसेंट बच्चा पढ़ रहा है, उसके सर्वे के आधार पे निन्यानवे 100 98 100 96 92 सब स्कूल अभी जो चल रहा है उसमें पढ़ ही रहा है इतना बच्चा जी केंद्रीय विद्यालय में जहाँ पहले से चल रहा है, तो जब 98 99 100 है ही तो 50% मांगने का क्या मतलब, वो कह सकते हैं ये बात। जहानाबाद में 100% वही सब स्कूल में कौन जाएगा, जहानाबाद खुलेगा देवकुंड खुलेगा तो कहीं तमिलनाडु का बच्चा पढ़ने आएगा कि बिहार का बच्चा पढ़ेगा, तो ये तो बहानाबाजी है ना। हाँ, हम जान के दिए हैं तो कह बात कीजिएगा ना, तो कह सकते हैं कि हम मांग रहे हैं 50%, क्या दिक्कत है, है ही। अच्छा, दूसरा अब की परिस्थिति में अगर ये बात भी कहते हैं तो अब तो उन्हीं की सरकार है वहाँ, अब तो डबल इंजन है, वो अगर सुधारे करवाना है तो करवा ले, सुधार की जरूरत भी नहीं है ही, एकदम 100 99 98 97 कम से कम तो हम लोग खाली 80 देख रहे हैं, एक जगह 80 भी जो होगा ना 79 है जी, देखिए ये भी जो है ना जहाँ भी वो कहलगांव वाला एनटीपीसी में है, हाँ, एनटीपीसी में, अब कहीं मिलिट्री कंटेनमेंट में होगा जैसे गया वाला, उसमें कुछ कम हो सकता है, तो उसमें बिहार सरकार का कोई मतलब नहीं है, जमीन बिहार सरकार देगी तो उसके लिए नहीं ना देगी, तो अलग जो स्कूल है उसके लिए दे रही, तो गया वाला और एनटीपीसी वाला उसमें थोड़ा कम हो सकता है, वो भी 80% तो भी 86%। अच्छा, ये भी गया नंबर 2 में 86% 89 जी उसमें, तो वो भी इतना है,
मतलब 50% मांगने का कोई मतलब नहीं, या 75 जो आप कह रहे हैं उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा है। अभी तो मिनिमम कह रहे हैं 50, लेकिन अगर 75 की बात आती है तो उससे भी बहुत ज्यादा है। तो अभी कहने का मतलब अड़ंगा लगा कुछ भी करके, वही है। इसलिए हम नॉलेज में दिए बजाता हम करें वही। गया वाला में क्या